आज जो है 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। खदीर का जिक्र आ रहा है। खदीर जो है इसको अकेसिया कटेचू कहते हैं, अकेसिया कटेचू, और इसकी फैमिली जो है फैबेसी। कॉपी पेन नोट कर लीजिए। और इसकी फैमिली है जो फैबेसी है, और इसकी बार्क यूज में आती है और खदीर सार यूज में आता है। और जब आप चरक संहिता के उदर्द प्रशमन महाकषाय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको अकेसिया कटेचू यानी खदीर के तीन भेदों का जिक्र मिलेगा। एक का नाम है खदीर, दूसरा कदर और अरिभेद। उदर्द प्रशमन महाकषाय के अंतर्गत खदीर, तीनों खदीरों का जिक्र किया जाता है, और इसका बार्क यूज में आता है और खदीर सार यूज में आता है। इसका साइंटिफिक नेम है अकेसिया कटेचू, और इससे बनने वाले योग हैं खदिरारिष्ट, खदिरादि वटी। ये इसका पौधा आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी लीफ जो है कंपाउंड लीफ है। 40-30 पेयर्स में इसकी लीफ लगी रहती है, इसकी लीफलेट्स। नेक्स्ट पौधा आप लोग देख रहे हैं किरात तिक्त। किरात तिक्त जो है इसको कहते हैं स्वर्शिया चिरायता। इसका पंचांग यूज में आता है। इसका काढ़ा जो है ज्वर हर माना जाता है। किरात तिक्त का काढ़ा जो है ज्वर हर, भूमि निम्बादि काढ़ा में इसका प्रयोग है, महासुदर्शन घनवटी में और मेदोपाचक काढ़ा में। इसकी फैमिली का नाम है जेंटेनियेसी, फैमिली भेजी जाएगी। और रस है इसका तिक्त, यह लघु है और विपाक में कटु है। इसका जो काम है ये आपके लीवर को यानी अग्नि को, आपको अग्नि को ठीक करके ये बॉडी में बुखार को कम करता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है एक हाइपोग्लाइसिमिक, और ये जो मेदोपाचक काढ़ा में इसलिए ही डलते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को सही कर देता है। किरात तिक्त, चिरायता भी कहते हैं इसे, किरात तिक्त, और यह स्वर्शिया चिरायता। जो खदीर है ये स्किन डिजीज़ के लिए सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है। खदिरारिष्ट और खदिरादि वटी इसके योग है। अब आगे बढ़ते हैं कुमारी। कुमारी को सभी लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं एलोवेरा, और इसका कुमारी आसव बहुत ही प्रचलित है। ये एक छोटा छुब होता है, मतलब इसकी कैक्टस की तरह पौधे होते हैं, आप देखे होंगे। ये बहुत ही शानदार औषधि है। ये तीनों दोषों का शमन करती है। इसकी घृत कुमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पल्प में घृत के समान एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बहुत लिक्विड और जेली लाइक सबस्टेंस है, इसलिए घृत कुमारी कहा जाता है इसे। हर भी है ये छोटा हर, इसकी स्लिमी ट्रांसपेरेंट पल्प होती है। इसका यूज़ क्या करते हैं, जैसे किसी को ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बुखार में बहुत अधिक जाने में समस्या उत्पन्न होती है, धूप वगैरह से समस्या क्रिएट होती है, तो कुमारी आशव और कुमारी का जो पल्प है उसको ब्लैक हेड्स पे लगाने के बाद ये पूरा का पूरा इफ़ेक्ट देता है, पूरी जो छाइयाँ हैं उनको समाप्त कर देता है, और जो आँखों के अगल बगल डार्क सर्कल बन जाते हैं उन पर भी अगर इसके पल्प को प्रयोग करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। और इसको पीने के लिए भी दिया जाता है सुबह सुबह। ये शरीर की गंदगियों को निकाल कर बाहर कर देता है, ये एक उत्तम रसायन है। और तो और ये गठिए के रोग में भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रिजल्ट देता है। इसके रिसर्च आर्टिकल को आज मैं भेजूँगा ग्रुप में। कुमकुम केसर। अब केसर जो है दो प्रकार का केसर होता है, एक कुमकुम केसर एक नाग केसर। तो कुमकुम केसर जो है
ये अत्यंत ही वृक्ष कारक औषधि है। जितनी भी वृक्ष की औषधियाँ हैं, वाजीकरण औषधियाँ हैं, उनमें कुमकुम केसर का प्रयोग किया ही जाता है। ये असली केसर है। ये दुनिया के जितने भी महंगे से महंगे मसाले हैं उनमें इसकी गिनती की जाती है, कुमकुम केसर की। इसका नाम है क्रोकस सटाइवस, इसे ही शुद्ध केसर बोला जाता है। ये बहुत थोड़े मात्रा में बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि इसके जो स्टिग्मा है पूरे प्लांट का, सोचिए पूरे प्लांट का एक फ्लावर, एक छोटा अंग होता है, उस फ्लावर के भी फीमेल पार्ट का एक सबसे छोटा हिस्सा स्टिग्मा होता है, और इसके लंबे लंबे स्टिग्मा होते हैं, उन्हीं का यूज़ किया जाता है केसर के रूप में। ये पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। ये छोटा पेड़ है, क्योंकि ये अधिक जो श्रम मांगता है इसकी खेती, इसलिए ये महंगा है। कुपीलू, इसके बाद एक आ रहा है उपविष। है ये उपविष भी है और औषधि भी है। देखिए आयुर्वेद में या कहीं भी हर विष औषधि हो सकती है, और हर विष और हर औषधि विष हो सकती है। कुपीलू, किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कर दो, जो एडमिन है वो म्यूट कर दे इसको। कुपीलू विस्तुंदक स्ट्रिकनेस नक्स वॉमिका, इसको इसको कहते हैं स्ट्रिकनेस नक्स वॉमिका विस्तुंदक। अग्नि तुंडी वटी में इसका प्रयोग किया जाता है, विस्तुंदक वटी में। इसको इसका एक बड़ा पेड़ होता है और ट्री की तरह होता है, 13 से 15 मीटर। इसमें ऑरेंज कलर के, पहले हरे रहते हैं फिर ऑरेंज कलर के फल लगते हैं, और उसमें सीड्स जो हैं लगते हैं। ये इसकी पत्तियां ही दिखा रहा है, इसके फल को आज मैं ग्रुप में भेजूंगा, और इसका भी एक रिसर्च आर्टिकल भेजूंगा। कुमारी आसो, मतलब कुमारी, घृत कुमारी और कुपीलू के ऊपर मैं आज दो रिसर्च पेपर भेजूँगा। स्ट्रिकनेस नक्स वॉमिका, इसके सीड के अंदर एक पॉइजन होता है स्ट्रिकनिन, जो कि स्पाइनल पॉइजन, स्पाइन में जाकर पॉइजनिंग कर देता है, और हमें टिटनेस जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन अगर इसी को आप शोधित कर दीजिए, शोधन करने के लिए सबसे पहले सीड को लेकर उसको गोघृत में 3 दिन तक उसका पाचन करेंगे, 3 घंटे तक, और उसके बाद जब उसकी जो ऊपरी परत उतर जाएगी तो उसके सीड की को फिर 7 घंटे तक फिर से दूध में पाक करेंगे। 7 घंटे पाक करने के बाद इसको घृत में भर्जित करेंगे। इतने प्रोसीजर के बाद अगर औषधियां बनाई जाती हैं तो वो अमृत के समान कार्य करती हैं, और वहीं अगर विदाउट प्योरिफिकेशन, क्योंकि एक विष है उपविष, तो ये घातक साबित हो सकता है। अब आ रहा है कुष्ठ। कुष्ठ जो है इसको बोलते हैं सेशुरिया लेपा, और मुस्त कुष्ठ ये सब जो है यूज में आते हैं लेखनी में, मतलब वजन को कम करने की औषधि है। ये कुष्ठादि तैल, कुष्ठादि चूर्ण आता है। ये देखिए इसका इमेज, और ये लगा हुआ है इसकी फलिया, ये कुष्ठ है। इसका दूसरा इमेज अब आ रहा है कुटज, हेलोरेना एंटी डिसेंट्रिका। हेलोरेनिया एंटी डिसेंट्रिका जो है कुटज है, और इसकी फैमिली जो है, अभी फैमिली में भेज दूंगा ग्रुप में, और इसकी जो बार्क और सीड इस्तेमाल में आई जाती है, और ये अर्शोघ्न महाकषाय के अंतर्गत है। अर्शोघ्न महाकषाय के अंतर्गत कुटज का जिक्र मिलता है। कुटज परपटी, कुटज घनवटी, कुटजादि रिष्ट, कुटजादि अवले। जैसे पूछ ले क्वेश्चन कि अर्शोघ्न महाकषाय में कौन से पौधे हैं, कि तो कुटज सबसे उसमें सर्वप्रथम है, हेलोरेना एंटी डिसेंट्रिका कुटज। ये देखिए कुटज, इसकी फ्लावर्स भी दिख रहे हैं और लीफ भी दिख रहे हैं।
अब इसके बाद है लवंग, सिंजियम एरोमेटिकम, 10 से 15 मीटर की इसकी लंबाई होती है। लवंगाधिवटी अविपत्तिकर चूर्ण इसका फायदे, इसके जो योग हैं, अविपत्तिकर चूर्ण और लवंगाधिवटी। लवंगाधिवटी जो है वायरल फीवर में इस्तेमाल की जाती है, और ये लवंग है, अभी ये हरा लवंग है, बाद में ये काला हो जाएगा। और ये लोध्र का जिक्र किया जा रहा है, सिम्प्लोकोकस रेसिमोसस लोध्रासो, ये एवरग्रीन है और मीडियम साइज ट्री है, इसका बार्क यूज़ में आता है। ये लोध्र का पौधा दिख रहा है। अब आ रहा है मदन फल, मैन फल, रेंडिया स्पाइनोसा, इसका जो है फल ही प्रयोग किया जाता है, मदन फल नाम से ही फल आप समझ रहे होंगे। और आयुर्वेद में कहीं भी फल का जिक्र करे तो आप मदन फल ही समझिएगा, मदन फल। और इसको किस महाकषाय में रखा गया है, तो इसको वमनोपक महाकषाय में नहीं रखा गया है। वैसे ये वमन की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, लेकिन वमनोपग महाकषाय के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। इसको रखा गया है स्थापनोपग और अनुवासनोपग महाकषाय के अंतर्गत। और मदन फल की 133 जो कल्प हैं होती हैं, और वो कल्प स्थान में आपको पढ़ाया जाएगा, 133 कल्पना के बारे में। ये उसका फल है, ये अत्यंत ही वमन कारक है, लेकिन चरक में इसको वमनोपग में नहीं रखा गया है। ये मदन फल के फूल और पत्तियां दिख रही हैं इसमें। मंडूकपर्णी, मंडूकपर्णी को बोला जाता है सेंटेला एशियाटिका, मंडूकपर्णी का पंचांग यूज में आता है। ये छोटे छोटे पौधे हैं, 1 से 6 सेंटीमीटर के इसके पत्तियां हैं, मंडूकपर्णी सिरप। मंडूकपर्णी ब्रेन टॉनिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। मंजिष्ठा, ये जो मंजिष्ठा है इसको कहते हैं रूबिया कार्डिफोलिया, और ये विषघ्न महाकषाय के अंतर्गत है। मंजिष्ठा जो है विषघ्न महाकषाय के अंतर्गत चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में वर्णित है। रूबिया कार्डिफोलिया, मंजिष्ठादि काढ़ा, झिंगी शारादि वटी, मंजिष्ठा सारिवा वटी। और ये क्रीपर है, ये देखिए मंजिष्ठा आपको दिख रहा है। अब इसके बाद आ रहा है मरीच, मरीच जो है काली मिर्च को कहते हैं, और इसको बोलते हैं पाइपर नाइग्रम, और इसका फल यूज में आता है। और इसका योग है त्रिकटु चूर्ण वर्धमान मरीच रसायन, पाइपर नाइग्रम। और जो दूसरा चैप्टर था अपामार्गस्य बीजानि पिपली मरीचानि च, तो मरीच का वहाँ पे जिक्र मिलता है, मतलब ये सिरोविरेचन की औषधियों के रूप में, मतलब बहुत जगह यूज़ है, बट सेकंड चैप्टर में सिरोविरेचन में बताया गया है। त्रिकटु चूर्ण जो कि अग्नि को संदूषित कर देता है, पाचक जो इफेक्ट है वो बढ़ा देता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न कर देता है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ बहुत ही फेमस हैं, ऐसी पत्तियाँ हैं इसकी, देख लीजिए। और ये काली मिर्च, मुस्त, अब मुस्त और कुष्ठ जो है दोनों एक ही में आए थे, लेखनीय महाकषाय के अंतर्गत मुस्तक। सिप्रस रोटेंडस और मुस्तादि काढ़ा, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये शरीर से वजन का क्षरण कराता है, लेखनी महाकषाय है, लेखनी महाकषाय के अंतर्गत। ये है मुस्त का पौधा, आप लोग देखे होंगे जरूर, ये घास जैसा दिख रहा है। अब आ रहा है नागकेशर, जैसा कि मैंने बताया था पहले, नागकेशर है ये, और वो था कुमकुम केसर। कुमकुम केसर वेरी कॉस्टली, बट नागकेशर इज नॉट मच कॉस्टली। तो नागकेशर जो है इसको कहते हैं मेशुआ फेरा, याद रखिए
नाग केसर को मेशुआ फेरा बोलते हैं, और स्टैमेन इसका यूज आता है, उसका स्टिग्मा यूज हो रहा था और इसका स्टैमेन, इसका मेल पार्ट यूज हो रहा है, पूरा का पूरा मेल पार्ट, और उसका जो है स्टिग्मा, ओनली फीमेल पार्ट में भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो स्टिग्मा ही यूज हो रहा है नाग केसर। और इसका योग है पुष्यानुक चूर्ण और शमशारकर चूर्ण, इसको आप देख लीजिए, ये है नाग केसर, इसको पहचानने के लिए कभी भी आ सकता है। ये एक च्यवनप्राश में भी इसको डाला जाता है, च्यवनप्राश में भी इसको डाला जाता है नाग केसर को, और इसको जो है चरक में वर्ण महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है, और भी कई रखा गया है और भी कई में, लेकिन वर्ण में चंदन तू लगा ले वर्ण बढ़ाने के लिए, एक ट्रिक है, तुंग शब्द से नाग केसर को प्रयुक्त किया गया है वहाँ पर। निम्ब, निम्ब एक बहुत ही फेमस ड्रग है, निम्ब एक बहुत ही फेमस ड्रग है, इसको कहते हैं अजाडिराक्टा इंडिका, और इस निम्ब के बारे में बता दूं, ये निम्ब का पौधा आप लोग पहले देख लीजिए, ये निम्ब है, ज़रूर देखे होंगे, निम्ब की दातौन जो है की जाती है, और तिक्त रस में निम्बस तिक्तः, मतलब निम्ब की जो दातौन है तिक्त दातौनों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसके जो बायोकेमिकल एनालिसिस अभी इसकी की गई थी, तो पाया गया था इसके अंदर निम्बिन और निम्बडिन नाम के कुछ यौगिक पाए जाते हैं, जो कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीहेलमिंथिक, जो भी कृमि रोग हैं जितने भी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, उसमें ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो अभी कुछ लोगों इसके जो है हैंड सैनिटाइजर के रूप में इसको देख रहे हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। व्रण शोधन तैल, स्वनंदा टैबलेट ऑफ वैद्यनाथ, ये जो है ये पेटेंटेड ड्रग है, स्वनंदा टैबलेट, आप लोग इसको देखिएगा, सर्च कीजिएगा, और मैं आज इसको ग्रुप में भेजूँगा, स्वनंदा टैबलेट, ये वैद्यनाथ की है, ये पेटेंट के ऊपर बताऊँगा, मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो पेटेंट से निर्मित होती हैं। अब आ रहा है निर्गुंडी, वाइटक्स निर्गुंडो इसको कहते हैं, याद रखने वाली बात है, वाइटक्स निर्गुंडो, इसमें आर छोड़ा हुआ है, निर्गुंडो, और सेफाली वटी फ्रॉम अगस्ती फार्मा। देखिए अब अगस्ती फार्मा जो है ये सेफाली वटी बनाई है, उसमें निर्गुंडी का प्रयोग है। अब इसके बाद आ रहा है ये जो है निर्गुंडी का पौधा पहचान लीजिए, पलाश, पलाश जो है बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, इसके फूल जो हैं एकदम बड़े बड़े होते हैं और वो गिरते हैं ज़मीन पर, बड़े फूल होते हैं इसके, कृमि नाशक है इसका पौधा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसका बार्क, फ्लावर, गम, सीट, छार यूज़ में आता है, आप लोग इसको देखिए, ये है पलाश, बहुत ही बड़ा वृक्ष है ये, इसके फूल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब है परपट, फ्यूमेरिया वेलांटी, परपटादि क्वाथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, परपट का, इसकी पंचांग को यूज़ में लिया जाता है, फ्यूमेरिया वेलांटी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परपट। अब है पाषाण भेद, पाषाण भेद जी के जो हमारे बॉडी में किडनी में स्टोन की समस्या है, उसमें पाषाण भेद एक बहुत ही शानदार औषधि है, इसको रिसर्च में भी पब्लिश किया गया है, मूत्र दोष नाशक वटी ऑफ शारंगधर, शारंगधर में भी जिक्र है, मूत्र के दोषों का नाश करने वाली ये एक औषधि है, वर्जीनिया सिलियाटा, इसको पाषाण भेद मीन्स पाषाण को भी भेदन कर देती है, पत्थर को भी भेद देती है।
अब आ रहा है दूसरा प्लांट, ये देखिए, ये पाषाण भेद है, इसको समझ जाइए। पाटला स्टेरोस्पर्मम सोवेलियंस, पाटला जो है ये दशमूल का द्रव्य है, शोध हर महाकषाय के अंतर्गत वर्णित है। स्टेरोस्पर्म सोवेलियंस, इसकी रूट बार्क मतलब केसर, लीफ, फ्रूट्स सब यूज में आती है, पाटला ये। और अब आ रहा है पिपली। पिपली पिपली मूल तो सबसे शानदार औषधि है ही, आप जानते ही हैं। ये पिपली इसका फ्रूट भी यूज में आता है और रूट में भी आती है। तो एक आता है पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, तो पाइपर लॉन्गम त्रिकटु चूर्ण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिपलियाशो। ये है पिपली का फल, आप देख रहे हैं, ये मसालों में इसकी गिनती की जाती है। ये सबसे पहले ये हरा रहता है, फिर काला पड़ने लगता है, और इसकी पत्तियां जो हैं गिलोय गुडुची की तरह सिमिलर रहती हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आ रहा है प्रश्नपर्णी यूरेरिया पिक्टा, दस मूलारिष्ट में प्रश्नपर्णी है, प्रश्नपर्णी शालपर्णी ये सब जितने भी हैं सभी दस मूल में पाए जाते हैं, सोतहर महाकषाय में। प्रश्नपर्णी ये दिख रहा है, इसके पूरे पंचांग को यूज में आता है। पुनर्नवा बोहरिया डिफ्यूजा, मेनली मूल बीज पर्ण पंचांग इसका यूज में आता है। पुनर्नवा मंडूर जो है लीवर का एक बहुत ही शानदार टॉनिक है। इसके बाद आ रहा है ये पुनर्नवा पुष्कर मूल इन्यूला रेसिमोशा, पुष्कर मूलादि चूर्ण इसका यूज में आता है, पुष्कर मूलादि चूर्ण इसका योग है। इन्यूला रेसिमोशा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुष्कर मूल, ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर जैसा है, एस्टेरेसी फैमिली जरूर ये